देखो शिव, मुझसे फजूल बातें मत करो। मैं तुमसे ये पूछ रही हूँ कि शावेज के साथ तुम्हारा रवैया कैसा है। मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे सवाल क्यों पूछ रही हैं। तुम सारी दुनिया को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन एक माँ को नहीं। रबिया ने खुद शिकायत की है तुम्हारी खुदसिया से। है वाकई, क्या कह रही थी? यही कि तुम्हारा रवैया शावेज के साथ ठीक नहीं है। जो कुछ तुम कर रही हो ना उन्होंने बता दिया। लेकिन अब ऐसा नहीं है रक्षी खाला, सब कुछ ठीक हो गया है और मैं शावेज के साथ बाहर आई हूँ खाना खाने के लिए। अभी वो रेस्टोरेंट गए, वो जैसे ही वापस आते मैं आपकी बात करवा देती हूँ। देखो इंसान का रवैया उसकी जिंदगी अच्छी या बुरी बनाता है। और शादी के बाद तो इंसान की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ जाती है बेटा। फिर तुम तो अपनी फूफो के घर गई हो, वो कोई खैर तो नहीं है ना जिनसे तुम अपना दामन छुड़ा लोगी। तुम्हें उन्हें खुश रखना, उनका ख्याल रखना है, इसी में तुम्हारी भलाई है। जानती हूँ मैं कब इनकार कर रही हूँ, थोड़ी देर में शावेज वापस आ जाएंगे। ठीक है मैं कॉल करवाऊंगी, फिर खुद सुन लीजिएगा वो क्या कह रहे हैं। ठीक है अल्लाह हाफिज़। जी ठीक। क्या तुमने खाना नहीं ऑर्डर किया अभी तक? क्यों? आपने मेरी शिकायत की है। शिकायत? किससे, क्यों कह रही हो? रक्षी खाला का फोन आया था, वो ये कह रही हैं कि पप्पू ने शिकायत की है मम्मा से कि मेरा रवैया आपके साथ बिल्कुल ठीक नहीं है। यार हमने तो कोशिश की अपनी तरफ से कि उनको ना पता लगे, लेकिन शायद मेरे लहजे से अंदाजा हो गया कि मैं खुश नहीं हूं। लेकिन anyway, फिक्र ना करो, जब हम पाकिस्तान जाएंगे तो दे विल सी कि हम तुम्हारे बीच में तो दोस्ती हो गई है। अच्छा रक्षी खाला को फोन करें और उन्हें ये कहें कि वो जो कुछ समझ रही है वो सब गलत है, हमारी दोस्ती हो गई और सब कुछ ठीक है। देखो सब कुछ तो ठीक नहीं हुआ ना, अभी तो थोड़ी सी दोस्ती हुई है, कोई और होना बाकी। फोन करें फौरन। Are you sure कर लूं? वहां जाके राधा तो नहीं बदलना। अस्सलाम वालेकुम रक्षी खाला, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ रक्षी खाला, और अल्लाह का शुक्र है बहुत खुश हूँ। ये कपड़े रह गए थे, मैं ले आई हूं। अच्छा सुनो, सारा सामान आ गया ना वहां से? बीबी जी इशल बीबी की सब चीजें ले आई हूं, बस छोटे साहब के कपड़े रह गए हैं, वो यूसुफ लेके आ रहा है। अच्छा ठीक है, और एक बात बताओ तुमने अब तक ये चादर क्यों नहीं चेंज की? वो बिछाओ ना जो मैं लेकर आई थी बाजार से, प्लीज हटाओ इसे जल्दी से। अच्छा अच्छा बीबी जी मैं बदल दूंगी, बस आप देख लें कोई सामान रह तो नहीं गया। नहीं मेरा ख्याल से सारा सामान आ गया है। अच्छा सुनो जी, परसों वो लोग 2-3 बजे तक पहुंच जाएंगे, तो प्लीज तुम ऐसा करना कि ये जो फ्लावर्स हैं ना इनको चेंज कर देना, और पूरे कमरे में ना फ्रेश फ्लावर्स लगाना, समझ आ गई? ठीक है, याद से भूल नहीं जाना। जी जी मैं सब कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाएं। आप कब से काम कर रही हैं, थक गई होंगी, आराम कर लें, बड़े साहब भी पूछ रहे थे आपका। अच्छा सुनो, चादर जरूर चेंज कर देना प्लीज अभी, समझ गई? और हाँ कमरा बंद करके जाना, सब कुछ समेट के बंद कर देना रूम। जी मैं कर दूंगी चेंज।